मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का 4 लोकसभा के लिए शक्ति केंद्र सम्मेलन शनिवार को कुरुक्षेत्र में हुआ। बैठक में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक शुरू होते ही सभी सदस्य ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा, विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल, सांसद रतन लाल कटारिया, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन आदि एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा के बूथ कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में हरियाणा बीजेपी डिजिटल ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा बीजेपी के लोकसभा चुनाव के उप प्रभारी विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बूथ लेवल की पार्टी है और बूथ कार्यकर्ता ही चुनाव जीतते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन के जरिए सरकार की नीति और रीति को बताने का काम किया गया। सर एक बार फोन दिखा दें। सीएम साहब फोन इधर करके फोन।